देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। बाल बाल बच गया रे देवा। तो भैया आप में से जिस जिसने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है कृपया कमेंट में जाएं और सी लिख दें। ठीक है समरिया। क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है कि जिस कंपनी ने कोविशील्ड बनाई है उसने उन सभी लोगों का जिन जिन ने कोविशील्ड लगवाई है सभी का सी ही काट दिया है। सिर्फ अखिलेश भैया ही इससे बच पाए हैं। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मतलब जब वैक्सीन लगवाई गई थी तब क्या क्या नहीं बोला गया था, कैसे कैसे एड्स पोस्टर बैनर बनवाए गए थे। वैक्सीन लगवाई क्या? हाँ, मोदी जी ने लगवा दी। अब हाल ये है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट से मोदी जी की फोटो को ही हटा दिया गया है। आपका मूड है तो मेरा भी मूड है। आज दुनिया में इकलौते प्रधानमंत्री ऐसे थे जो वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो लगवा रहे थे। हालांकि फोटो हटाने के पीछे चुनावों को वजह बताया गया है लेकिन फोटो हट गई है। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। लेकिन कुछ भी हो आम आदमी तो हर तरफ से पिस ही रहा है, चाहे वैक्सीन हो, चाहे पतंजलि के प्रोडक्ट्स हो, चाहे MDH के मसाले। सबने कसम खा रखी है कि जैसे आम इंसान की तो सबको लेनी ही है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। लेकिन चाहे वैक्सीन की समस्या हो या वही पुरानी गैर जरूरी बेरोजगारी या महंगाई वाली समस्याएं, मीडिया जो है मोदी जी से आज भी वही प्यारे प्यारे सवाल ही पूछ रहा है। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते कैसा कर पाते? देखिए मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता, मैं सही डिसीजन ले। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि सब कैसे होता है, कि मोदी जी कैसे करता है। फिर मैं सोचता हूँ नहीं, शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा। नहीं, थोड़ा और सुनिए, आगे और भी कड़े सवाल पूछे गए हैं। आप इतना ट्रेवल कर रहे हैं, दिन में 5-4 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने का? आप थकते क्यों नहीं? पहली बात तो मैंने कहा ना कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर ने तय किया हुआ है, ईश्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा। आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि पर्सनल अटैक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है, ये ऐसा मोदी के साथ क्यों? मोदी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। मतलब 10 साल में सर जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और अभी अगर जीत भी गए तो आने वाले कार्यकाल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसका भी कोई खास आसार दिख नहीं रहा है। जैसे तैसे चुनावों के समय अपने पसंदीदा चैनलों को और पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, उसमें भी क्या ही सवाल पूछे जाते हैं। आप थकते क्यों नहीं? अब आप ही बताइए कि आखिर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तो गोदी मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने निकले हैं और किस टॉपिक पर और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें ये ही नहीं पता। वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात करें, मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। से नो टू वेल्थ ग्रेटर। इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, बताइए क्या लिखा है? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन विकसित भारत। अर्बन मैक्सवेल, ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है, अच्छा है। ये जो कांग्रेस का यूनिफेस्टो है पूरा, वो मिडिल क्लास के लिए ही बनाया गया है। मिडिल क्लास को कैसे परेशान करना है, 70 सालों से यही तो कर रही है कांग्रेस का यूनिफेस्टो है। पार्टियां तो मैनिफेस्टो निकालती थी, ये यूनिफेस्टो क्या है? ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चले। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को कंगना रनौत पीछे छोड़ रही हैं, जो अपनी ही पार्टी के नेताओं को पेल रही हैं।
इनको खुद नहीं पता ये कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? मतलब कांग्रेस की यूनिफेस्टो से, मतलब मैनिफेस्टो से अजीब अजीब तरह की चीजें निकाली जा रही हैं। कभी इनहेरिटेंस टैक्स आ जाएगा, आपकी संपत्ति लेके मुसलमानों को दे दी जाएगी, आपका कोई मंगलसूत्र ले जाएगा, कुछ भी। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आई तो आपसे आपका मंगलसूत्र ले जाएगी, और उधर अलग ही खेला चल रहा है। रुको जरा, सबर करो। हम बुद्धे सर लखनऊ से हैं। क्या करते हैं सर आप? ये गाड़ी एलईडी वैन चलाते हैं, मोदी जी वाली गारंटी। क्या घटना आपके साथ में हुई? घटना मेरे वाइफ की हुई थी, वो कार्यालय बीजेपी कार्यालय में हम लोग रह रहे थे, रहने के लिए मिला था जगह, और वहाँ पे उसका जो है मंगलसूत्र प्लस 1300 रुपए गायब हो गए। मंगलसूत्र प्लस 1300 रुपए गायब हो गए। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, सबके सब चोर हैं साले। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कब 80 से 85 हो गईं, किसी को पता ही नहीं चला। अब कोई 25 साल से बड़ा नहीं है, वरना यूपी की 85 की 85 सीटों पर ये परिवार वालों को ही लड़ा। अगर आपको पता चला हो कि कौन सी 5 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब जाते जाते जरा ये गोदी मीडिया को डेडिकेटेड एक गीत है, मुझे भी अच्छा लगा, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा, सुनिए। What should be the role of a media organization in a time like this? हिंदुओं को खुलेआम मारा जा रहा है, और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के तमाम ठेकेदार आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल। क्या पूरे विपक्ष में करप्शन एक कॉमन फैक्टर बन गया? Don't be an anti-national. गोदी जी, कुछ तो अच्छा बोलो, अफवाहों का जहर न घोलो, नफरत के तुम बोल न बोलो, आंखें तो तुम खोलो। चारों आग लगी है, देखो कितना कोलाहल, झुलस रहे हैं कितने दिल, कितने इंसान हैं घायल। गोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी हर समस्या को जड़ से पकड़ते हैं, ये उनकी खास बात। कितने मारे गए हैं, कितने हुए हैं बेघर, पूछेगा जब अंतर मन क्या दोगे तुम उत्तर। नफरत से नफरत बढ़ती है, बार बार कहते हैं हम, लगी आग जब फैलेगी तो क्या मंदिर क्या मस्जिद। गोदी जी। तो ये गीत बनाने वालों को कोटी कोटी नमन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का जय, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा।